देखो ऐसा है बंधु कि हम लोग सब भाई मिलके बिल्कुल 95 पार की तैयारी करेंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन जब बच्चों से मैं मिलता हूँ जुलता हूँ, एक भाईचारे की तरफ से बात करता हूँ, तो मुझे एक समस्या बहुत बड़ा क्रिएट होता है ना कि बच्चे बोलते सर मैं फार्मूला याद तो करता हूँ। कुछ टाइम तक आप समझा देते बहुत अच्छे से, मेरे पास रह भी जाती है, लेकिन अगर मैं लंबे टाइम की बात करूँ तो सर भूल जाते हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ ना, थोड़ा सा क्लियर करना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर सबसे पहले क्वेश्चन देख के फार्मूला आना चाहिए, तो आपको एग्जाम्पल इस प्रकार मिलेगा कि टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 2/5, मतलब टेन के रूप में ऐसा कुछ दो गो रहेगा प्लस में। तो जब प्लस में रहेगा ना बंधु, प्लस में रहेगा ना, तो कितना प्यारा सा सुनहरा चेहरा बनता है, जो जरा देखो टेन इनवर्स है ना, तो पहले टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, चेहरा कितना खूबसूरत बन रहा है, 1/2 और बीच में आ रहा कौन, प्लस, यानी ऊपर में 1+2 बटा 1/1, और यहाँ अगर प्लस है ना तो नीचे जाते जाते ये माइनस में चला जाता है, नीचे क्या हो जाता है माइनस, और ऊपर प्लस में था तो नीचे क्या हो जाएगा गुना में। अभी तुम कुछ मत करना, इसको वीडियो को रोक के चुपचाप इसको 30 सेकंड तक देखते रहना, तुमको कहानी क्लियर हो जाएगा ना कि 1+ ऐसे टेन इनवर्स 1+10 इनवर्स 2 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले पहले सोचो कि टेन है तो टेन में 1+y, 1+y जरा अगर देखो 1+y क्या हो जाएगा, 1+y तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1+y, और नीचे में 1-x y, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह क्या बनेगा माइनस का। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देगा कि टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 2/5, मतलब दो जब ऐसे रहेगा प्लस के रूप में तो ये क्या उनका फार्मूला लगाएगा, ये वाला लगेगा। अब चलिए मैं अगर इसकी बात कर लूँ, क्योंकि सर बात तो सही है, आपने बात भी बताई है कि यहाँ अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे बंधु, क्या करेंगे, तो मैं अभी ना बताया तुमको, क्यों चिंता करते हो भाई, ये एक्स है और ये क्या है वाई है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, बीच में माइनस है तो माइनस 1-2, और नीचे टेन वाला में 1 आपका बपौती फिक्स रहता है, 1 क्या रहता है बपौती फिक्स रहता है, और अगर बीच में यहाँ माइनस है ना, यानी मैंने कहानी बताया कि ऊपर माइनस है तो नीचे आते आते प्लस हो जाता है, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आते आते माइनस हो जाता है, और नीचे में क्या होता है मल्टीपल में लिखा जाता है 1×y, 1× क्या हो जाता है y, मल्टीपल में लिखा जाता है। 1 से 2 बार वीडियो रोक के तुम फार्मूला लिख लेना, यहीं पे पेन निकाल के बैठना और वीडियो रोक के 1 से 2 बार तुम फार्मूला लिख लेना, जहन में बैठ जाएगा, माँ सरस्वती तेरे दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ भाई अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब तीसरी की मैं बात करता हूँ, ये वाला बच्चे को इतनी समस्या लगता है ना, लगता है कौन से बड़े पहाड़ से टकराना, इतना बड़ा देख के बच्चे समस्या में, यार मेरे से होगा या नहीं होगा, भाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ ना, बिल्कुल बनेगा बंधु। अब है क्या इसमें, कोई बात नहीं है, sin inverse 1+sin inverse 2, मतलब कहानी जब साइन में रहेगा तो क्या होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, sin inverse का sin inverse। अब मैंने एक बात हमेशा बताया है कि एस माने साइन, एस माने सुधरल, एस माने साइन और एस माने सुधरल। सुधरल आदमी एक दयावान व्यक्ति होता है, एक दयावान होता है, तो सुधरल आदमी जब दो आदमी काम पे लगे हैं ना, तो सुधरल आदमी कहता है ऐसा है ना बंधु कि एक्स काम करेगा, एक्स क्या करेगा काम करेगा, यानी सुधरल आदमी है तो बोला भाई एक्स तू काम करो, और बाई को रूम में भेज देगा आराम करने के लिए, रूट क्या है आपका रूम है कमरा है, तो बाई को यहाँ क्या करने बोल देगा आराम करने बोलेगा, यानी एक्स बाहर काम करेगा तो रूट में बाई क्या करेगा आराम करेगा, यानी रूट में बाई हो जाएगा 1-2 स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है तो सुधरल आदमी का काम ही है कि प्लस है तो क्या रहेगा प्लस, जब एक्स काम किया तो फिर सुधरल आदमी कहता भाई इस बार तू बाई काम करेगा, यानी बाई बाहर में काम करेगा तो फिर अंदर में, अंदर बोले तो रूट में, रूट बोले तो कमरा में, एक्स क्या करेगा आराम करेगा। बंधु साइन वाला था तो साइन का साइन, सिंपल सा लॉजिक है, एक्स बाहर में काम कर रहा है तो अंदर, अंदर बोले तो रूट,
एक्स काम कर रहा है तो वाई आराम करेगा, एक्स काम कर रहा है ना तो वाई अंदर आराम करेगा, यानी वन माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो बीच में भी क्या होगा, प्लस, क्योंकि सुधरल आदमी कभी उल्टा पुल्टा काम नहीं करता, वो प्लस है तो प्लस में होगा। अब एक्स तो काम कर लिया, अगर इस बार वाई काम करेगा तो अंदर में आराम कौन करेगा, रूट के अंदर आराम कौन करेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। वीडियो को रोको, प्यार से देखो, दो बार प्यार से लिखो, गारंटी कहता हूँ 7 जन्म के लिए तेरा ये भाई आपको ये फार्मूला को अपना बना देगा। तो रुक के करना, कर लोगे भाई, इतनी दिमाग तो भगवान ने दिया है, माँ बाप के ओरिजिनल दूध वाले पैदे हो तो गड़बड़ तो कर नहीं सकते हो। चलिए इसी बात माइनस वाला आता है, तो माइनस वाला कहोगे सर ये तो बहुत सी बेसिक सा सवाल है, चॉकलेट वाला सवाल है। कैसा कि बाबू अगर यहाँ पे माइनस हो, चर्चा किसका हो रहा है, साइन का। भाई साइन का चर्चा हो रहा है मतलब कहानी सेम रहेगा, साइन है तो यहाँ क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। अब वही सेम घिसा पिटा कहानी कि भाई अगर एक्स बाहर में काम करेगा तो बाई क्या करेगा, आराम करेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और बाई काम करेगा तो एक्स अंदर में क्या करेगा, आराम करेगा, एक्स अंदर में क्या करेगा, आराम करेगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन नीचे एग्जांपल दिया गया है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13, यानी साइन के रूप में रहेगा। तो ऐसा तो पेन रोक के दो बार लिखो ना भाई, प्यार से देखो ना, एक्स बाहर काम करेगा बाई आराम करेगा, बाई काम करेगा एक्स अंदर का आराम करेगा, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है। अब बात करते आगे की, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख के बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार इतनी बड़ी क्वेश्चन है याद कैसे करेंगे फार्मूला, बंदे पता है प्योर का प्योर कहानी है। अब देखो मैं बात करता हूँ, ये है सी, सी बोले तो कमीना, कमीना आदमी को ची कहता है, कमीना आदमी का दिमाग बड़ी कम होता है, वो हमेशा काम उल्टा पुल्टा करेगा। पहला उल्टा काम क्या करेगा कि देखो यहाँ प्लस रहेगा ना तो कमीना आदमी यह काम उल्टा करेगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बीच में हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस रहता तो बीच में क्या हो जाता, प्लस। ये होता है कॉस की कहानी। अब समस्या ये है ना कि कॉस है कमीना, तो ये कहता देखना बंधु पहले मैं दोनों मिलके काम करूंगा, सुधरल था तो एक काम करता था दूसरा आराम करता था, लेकिन कमीना कहा है नहीं रे दोनों एक ही साथ काम करेंगे और दोनों एक ही साथ आराम करेंगे। तो तू करना भाई, कमीना तो है, पागल तो है, तेरे पास दिमाग थोड़ी ना है। तो भाई कमीना है, जैसे देखोगे कॉस कहोगे सर ये तो पगलवा आया है, यानी इसका काम ही उल्टा पुल्टा होता है, पहले दोनों मिल खटेगा एकदम, एक्स भी काम करेगा बाई भी काम करेगा, अब बीच में प्लस था तो ये बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर दोनों मिल आराम करेगा, कहाँ आराम करेगा, कमरा में आराम करेगा, कमरा बोले तो अंदर आराम करेगा, अंदर बोले तो आ से अंदर, आ से अंडर रूट, यानी रूट में आराम करेगा, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था जी, कितने अच्छे से लॉजिक समझ में आ गए ना, बहुत आसान सी बात थी। एग्जाम्पल कैसे आता है, कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 2/5, देख लो दो कॉस को अगर जोड़ना होगा तो मैं यही फार्मूला लगा दूंगा, विशेष का तो कोई बात ही नहीं है। चलिए भाई आगे की बात करता हूँ, खुल जा सिम सिम, आगे क्या है, चलो खुल जा भाई, खुल गया जी। अब देखो बिल्कुल कॉस वाला है, जैसे ही कमीना के बारे में सुनोगे ओ सर आप कमीना की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या होगा, प्लस, और कॉस का नाम सुनते ही सी बोला जाए, सी बोला जाए तो कमीना, और कमीना का नाम सुनते ही तुमको पता होना चाहिए कि सर ये कमीना है, पहले दोनों मिल काम करता है, कहता नहीं दोनों मिल काम करेंगे, और दोनों मिल बाहर काम करता है, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और उसके बाद दोनों मिल आराम करता है, आराम बोला जाए ना तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आराम करेगा कहाँ, कमरा में, आराम करेगा कहाँ, अंदर, अंदर बोले तो अंडर रूट में, इसीलिए वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही छोटा सा तो कहानी था, और इसी टाइप के क्वेश्चन पे 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछ देते हैं, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देते हैं, तुमको तो फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत ही नहीं है, अब तो फार्मूला भूलोगे ही नहीं, कभी नहीं भूलोगे, अगर भूल जाओगे तो फिर मैं पीटूंगा, तो भूलना है नहीं, बातें क्लियर है, समझते हो मेरे बंधु,
कोई दिक्कत ही नहीं, तो मेरा भाई है, भूल सकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों, एकदम प्यारा सा कहानी लेकर, प्यारा सा फार्मूला को कहानी लेकर समझाएंगे। बाकी लव यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर मेरे असली वाले भाई हो, असली वाले, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो कमेंट में लव यू जरूर लिखो, अपना राय जरूर दो और वीडियो को लाइक कर दो, हो सके तो दोस्त यार को भी फॉलो कर दो, भेज दो मेरे तरफ से। बाय, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है ना। लव यू।